होताबाद करनाल एसपी होताबाद। वो एक की सबसे जो सरकारी तालिबान के अधिकारी जो कमांडर हैं, जो अधिकारी हैं, जो ये कह रहा है कि हर एक का सिर फूट काटना चाहिए, क्या कोई आईएएस अधिकारी इस तरह की बात कर सकता है? सभी लोगों से जो किसान हैं, हम यहाँ पे आए करनाल के अंदर जो लोग घायल हुए वे हॉस्पिटल में हैं, कहें कि प्रशासन के दबाव में डॉक्टरल कॉलेज पे भी प्रशासन का कब्जा, आँख में पूर्ण रूप से दर्द है, पूरा नुकसान हुआ है आँख को और चार बार लाठी चार्ज वहाँ, मतलब कई सौ लोग घायल वहाँ पे हुए हैं। तो ये इस तरह का जो तालिबान फरमान यहाँ का जो प्रशासन दे रहा है उसकी पूर्ण रूप से घोर निंदा किसान करते हैं। वो एक की सबसे जो सरकारी तालिबानों के अधिकारी जो कमांडर हैं, जो अधिकारी हैं, जो ये कह रहा है कि हर एक का सिर फूट काटना चाहिए, क्या कोई आईएएस अधिकारी इस तरह की बात कर सकता है? उसके खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करेगी? नहीं सरकार कार्रवाई करती तो उसकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ नक्सल वाले क्षेत्र में कर देनी चाहिए ऐसे अधिकारी को, जो बैठे हुए किसान और बुजुर्गों पे लाठीचार्ज एक नहीं चर चर जगह करते हैं। और ये इस तरह के कई सौ लोग हैं जिनका चोट लगी हुई है। यहाँ पे कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज है, हम यहाँ पे हैं इस टाइम पे करनाल के अंदर, और बहुत लोग जो है हमारे घायल है जिनको घर भेज दिया गया, वे फिर आ रहे हैं मेडिकल करवाने के लिए। तो सभी लोग इन चीज़ों को देखें और ध्यान दें सब चीज़ों का कि आज देश में हो क्या रहा है। पूर्ण रूप से बंदूक और लाठी के ताकत पे देश पे कब्जा करना चाहते हैं, पूरी संस्थाओं पे कब्जा करना चाहते हैं। हमको इसका पूर्ण रूप से पुरजोर विरोध करते हैं और सरकारों को ये चेतावनी देते हैं कि आप जो अधिकारी इस तरह के इस विचारधारा के अधिकारी के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। राकेश जी, साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सब्सक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।